जिम पार्क का इब्तिदा हो गया है ब्लॉक 16 के अंदर। माशाल्लाह से बहुत अच्छा पार्क बना है फैमिली के लिए, बच्चों के लिए बहुत इंजॉयमेंट हो रही है, बहुत अच्छा लगा। भाई एक्सरसाइज करना वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और आज मैं जो मौजूद हूँ ये कोई जिम में मौजूद नहीं हूँ बल्कि ये एक जिम पार्क है। मतलब जिम पार्क का इफ्तिदा हो गया है ब्लॉक 16 के अंदर। 35 साल से ये जो आपको पार्क नज़र आ रहा है ये कचरे के ढेर में मुब्तला था, लेकिन अब जमात इस्लामी के जो चेयरमैन है नुसरतुल्लाह साहब ने इस पार्क को अब जिम में तब्दील कर दिया। मतलब पार्क भी बन गया है और ये जिम में बन गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं और पूरी ग्रीनरी है। मतलब यहाँ पर आप देखें चारों तरफ ज़बरदस्त माहौल है। अब ये पार्क नहीं रहा बल्कि अब ये पार्क नुमा जिम बन गया है, और अब आपको हज़ारों रुपए की फ़ीस जिम में देने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इतराफ़ के अंदर जितनी आबादी ब्लॉक 16 की है उनको, उनकी जो फैमिलीज़ हैं अब वो आराम से इस पार्क में भी आएँ। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक ये पार्क पब्लिक के लिए ओपन रहेगा, और अब यहाँ पर आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और बच्चे झूले भी झूल सकते हैं, और मैं कहता हूँ कि नेचर से भी करीब हो सकते हैं। जितनी भी ये ग्रीनरी है आपको नज़र आ रही है, बड़ा खूबसूरत ये फैमिली पार्क बना दिया है। मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। इधर देखें आप इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, ये देखें अभी आया। इससे मैं पूछता हूँ कि भाई आप ये जिम कर रहे हो और ये फ्री के अंदर है, मतलब कि कोई पैसे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कैसा इनिशिएटिव है कि आप पार्क में भी आ रहे हो और आप जिम भी कर रहे हो, और एक्सरसाइज करना तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है। जी वैसे आज कितनी महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर के अंदर फ्री इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, और पहले कचरा कुंडी था जमात की वजह से जो ये पार्क बन चुका है और इतनी सारी चीज़ें हमें मिल चुकी है। झूले लग गए यहाँ पे, एक्सरसाइज की मशीनें जो कि हमें फ्री में मिल रही हैं। देखिए भाई फ्री मिल रही है, और देखिए मज़े की बात ये है कि मैं लोगों से कहता हूँ कि देखिए हमारे शहर कराची के अंदर जो लोग हैं इस तरह की जो चीज़ें होती हैं अब उसको चंद टाइम के अंदर दोबारा वो कचरे का ढेर बना देते हैं, इसी के अंदर कचरा फेंकेंगे। देखिए अब ये फ्लैट नज़र आ रहा है, अब ऐसा ना हो कि इस फ्लैट वाले ऊपर से अपने पैम्पर चड्डी बनियान सब इस पार्क में फेंकें, ऐसा मत कीजिएगा भाई। ये जो मेहनत की गई है इसका कम से कम आप इसका ख्याल रखें, ताकि इस तरह के जो पार्क हमारे शहर कराची में पहले ही बन चुके हैं लेकिन आज वो कचरे के ढेर में मुब्तला हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनसे बात भी कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई कैसा रहेगा, मतलब किसकी जो सहूलत है, फैसिलिटीज़ हैं, पानी डालना, रोज़ की जो देखभाल है वो किस तरह रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि अभी ओपनिंग हुई है तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर कोई पुरस्ताने हाल ना हो, कोई पूछने वाला ना हो। तो चलें यहाँ के जो भी यहाँ का इंतज़ामिया उनसे ज़रा बात करते हैं। भाई इस पार्क के अंदर अपना इंतज़ामिया मौजूद है शमशाद भाई, और मैं इनसे पूछता हूँ शमशाद भाई, मैंने देखा है शहर कराची के अंदर इससे पहले भी काफ़ी पार्क बन चुके हैं और लेकिन आज वो कचरे का ढेर है, और जिस पार्क की हम बात कर रहे हैं आपने कहा कि 35 साल से कचरे का ढेर था लेकिन जमात इस्लामी ने उसको दोबारा ऑन कर दिया है, तो सर क्या कहेंगे? देखिए बच्चे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और आपने इस पार्क को थोड़ा सा चेंज कर दिया, पार्क पार्क नहीं रहा, पार्क जिम पार्क बन गया है सर। ये कराची का पहला पार्क है जिसमें जिम पार्क कह सकते हैं इसको, और जिनकी जेर सरपरस्ती जो है जमात इस्लामी की है, फारूक नेमतुल्लाह भाई जो है अमीर जमात यहाँ के और वाइस चेयरमैन यूसी नुमान भाई हैं चेयरमैन, उनकी ज़्यादा कोशिशें हैं, जिनकी कोशिशों से आज मकसद इस कंडीशन में आ चुका है, जो कि 35 साल से मुकम्मल कचरा कुंडी था ये, और अब इसके बकायदा शेड्यूल बना दिया गया है 5 बजे से 11 बजे तक आवाम के लिए, महल इलाके वालों के लिए मकसद ये खुला रहेगा पार्क, और सुबह एक्सरसाइज के लिए बुज़ुर्गों के लिए भी खुलेगा सुबह 7:30 से तकरीबन 9:30 बजे तक। सर एक्सरसाइज करना वैसे भी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी हाँ, और लेकिन सर मैं ये कहूँगा कि आपने का कचरा कुंडी जाहिर सी बात है ये फ्लैट वाले इतराफ़ वाले यही कचरा फेंकते होंगे अंदर, जी हाँ। तो अब इन लोगों से गुजारिश है जो इतराफ़ वाले हैं कि भाई इस पार्क का आप ख्याल रखें, इसको कचरे के ढेर में मुब्तला ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में ये दोबारा कचरा का ढेर बन जाए। कल इन सबको ओपनिंग पर बुलवाया गया था और इन सबसे रिक्वेस्ट की थी कि ये इलाके का पार्क है और आप लोगों के लिए है तो इसकी केयर करें और कचरा कुंडी मत बनाएं, क्योंकि पहले कचरा कुंडी था, अब बड़ी कोशिश है इसको कचरा कुंडी से खत्म। सर इसका ज़रा आसान से एड्रेस बताएं, ये किस जगह पर है? ये ब्लॉक 16 है और UC3 है और नज़ सराबगोट। भाई PSO का जो पेट्रोल पंप है, जब आप लकी वन से सराबगोट का पुल चढ़ते हैं तो उल्टे हाथ के ऊपर एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल की गली के अंदर आप आएंगे तो बिल्कुल पेट्रोल पंप के पीछे आपको ये पार्क मिलेगा। अगर कभी आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो यहाँ पर आ भी सकते हैं,
तो माशाल्लाह सर देखभाल वैसे सही रहेगी, रोज होगी, पानी रोज डलेगा, सफाई का मामला इसी तरह रहेगा रूटीन से, सही है। और लोगों के लिए मकसद टाइमिंग के हिसाब से संडे तक भी खुला रहेगा, संडे को भी ओपन रहेगा ताकि लोग जो ऑफ होती है लोगों की तो वो संडे को भी आ सके। ठीक है, देखें भाई अभी हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे भाई इस पार्क का आप खुद ख्याल रखें। भाई यहाँ पर फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और इसी मोहल्ले की बच्चियाँ हैं और इस पार्क में आई हैं। मुझे बताएं कि पहले तो ये 35 साल से कचरा कुंडी का ढेर था जी। तो अब ये माशाल्लाह अच्छा ज़बरदस्त जिम पार्क बन गया है, तो लोगों से क्या कहेंगे कि इस पार्क का ख्याल रखें और आपको ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम बस यही कहेंगे कि इसको साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखें। माशाल्लाह से बहुत अच्छा पार्क बना है, फैमिली के लिए बच्चों के लिए बहुत इंजॉयमेंट हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जिम के बारे में कहें अब तो यहाँ पर आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं, सही है, ज़बरदस्त है। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है। आप आंटी बताएं, देखें आप तो यहीं रहती होंगी मोहल्ले में और ये मोहल्ले का एक पार्क है और कचरा कुंडी का ढेर था जी, और जाहिर सी बात है मोहल्ले वाले कचरा फेंकते थे, ये भी हकीकत है, ये फ्लैटों वाले फेंकते थे, सभी फेंकते थे। अब क्या ये दोबारा कचरा फेंकेंगे? नहीं, अब तो फेंकने चाहिए, अब तो पार्क बन गया, अब क्यों फेंकेंगे? अब नहीं फेंकेंगे ना, ऐसा ना हो मैं 6 महीने के बाद आऊँ तो यहाँ पर वो पैंपर वैम्पर पड़े हो बच्चों के। नहीं नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अगर ऐसा हो तो फिर ज्यादती वाली बात है। देखिए भाई ज्यादती वाली बात है, और भी आंटी मौजूद है, आंटी यहाँ बाकी लोग मौजूद हैं। देखिए बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, देखिए भाई ये एक झूले के ऊपर इतना सारा रश डाल दिया, भाई कैसा लग रहा है आप लोगों को? लेकिन एक झूले पे इतना लोड डाले झूला टूट जाएगा भाई? नहीं टूटेगा, झूला मजबूत है। देखिए भाई तो आप में आपसे लगते हो, यहाँ देखें, यहाँ पे देखें बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इधर देख सकते हैं, बाकी आप इतराफ में देखें पूरा, ये देखें ऊपर तक आप देखें पूरे फ्लैट है, देखें ऊपर ये फ्लैट है और यही लोग कचरा फेंकते थे। तो आज अब मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि भाई कचरा ना फेंकें। बाकी ये भाई भी देखें यहाँ मौजूद हैं, भाई से ज़रा बात करते हैं, अपने बच्चे के साथ यहाँ पे आए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सर, माशाल्लाह सर मोहल्ले के अंदर इस तरह का जिम पार्क बनना कैसा रहेगा बताएं, कि कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि अगर आप 3 महीने पहले चले जाएं तो यहाँ पे पूरा कचरा खाना और ये हुआ करता था, तो यहाँ से गुजरना भी जो है ना ये बड़ा मुश्किल होता था, बदबू और तो सर ये कचरा भी तो मोहल्ले वाले फेंकते थे ना? नहीं देखे मोहल्ले वाले नहीं फेंकते था, ये ऐसा होता था कि ये जो गाड़ियाँ भी आती थी फेंकने के लिए, डंपर वगैरह होते थे जो कचरा वो यहाँ पे डंप कर जाते थे। अब बेहतर हो गया माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मोहल्ले के अंदर एक तो एनवायरनमेंट बड़ा आपका अच्छा हो जाए, सही है, और आपके पौधे जो आपको आपको ज़रूरत है इस टाइम पे, जबरदस्त माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और इस तरह के होने चाहिए जो उजड़े हुए पार्क होने चाहिए, एक्टिविटी बच्चे हमारे किस तरह से देखें एक्टिविटी कर रहे हैं आप देख सकते हैं इधर ज़बरदस्त, और इसी वजह से ये बच्चे एक्टिविटी करेंगे तो हेल्दी होंगे, तो जाहिर सी बात है आपका मूड हेल्दी होगा। और देखिए सेहत का ख्याल तो वैसे देखिए आपको रखना चाहिए, और जिम बहुत ज़रूरी है हर देखिए ज़िंदगी की सेहत के लिए। आप खाना खाते हैं रात को खा के ऐसे सो जाते हैं, तो उसके लिए बेहतर है कि आप वॉकिंग करें, रात 11 बजे तक खुला हुआ है, रात को खाना जल्दी खाएं ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे, और सुबह फजर के अंदर भी माशाल्लाह 7:30 बजे ये बुजुर्गों के लिए ऑन किया जाएगा, यहाँ पे आएँ एंजॉय करें। देखिए फैमिली देखें कितनी सारी देखें यहाँ पे आ गई है, 5 बजे का टाइम जैसे ही पार्क खुला है और यहाँ पर माशाल्लाह रश हो गया है। तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, तमाम चीज़ ताकि उन लोगों तक ये वीडियो जाए। एड्रेस आसान था बिल्कुल, लकी वन से सुराग बोर्ड का जो पुल ऊपर जा रहा है लेफ्ट हैंड के ऊपर पेटो पर PSO का है, उसके बिल्कुल पीछे आप आ जाएँ। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।